गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं दिखाऊंगा आपको रिटर्न जर्नी इसमें, और अभी काफ़ी आगे पहुंच चुका हूँ। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए मुझे चलते हुए। 5:30-6 बजे मैं निकला था गोवा से, और अभी मैं हूँ अम्बोली करके एक जगह है, बड़ी मस्त जगह है, हिल्स है और यहाँ पे थोड़ा ठंडी भी है। उधर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी गोवा साइड, अभी यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग रही है, लेकिन मौसम बड़ा मस्त है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड में बहुत गहरी घाटी टाइप है एक बनी हुई, एकदम ग्रीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है अम्बोली जगह, और हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे, एकदम वेदर मस्त है यहाँ पे। दिसंबर का टाइम है लेकिन इधर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा कि नॉर्थ में रहती है। और यहाँ से लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे बहुत गहरा है, बहुत गहराई है। मैं कहीं पे गाड़ी रोक के 2 मिनट के लिए दिखाऊंगा अभी आगे जाके। वाटरफॉल काफ़ी है इधर, अभी पीछे भी एक वाटरफॉल था थोड़ा सा पहले ही निकला है। और रोड यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी एरिया है ये, तो मैं रूट अपना वही ले रहा हूँ जिस से आया था, गोवा, गोवा से सावंतवाड़ी, सावंतवाड़ी से अम्बोली, अब अम्बोली आ जाएगा थोड़ी सी देर में, और अम्बोली से कोल्हापुर, निपानी, निपानी से कोल्हापुर, ये वाला रूट लेके फिर वही पुणे हाईवे अपना आ जाएगा, तो उसी से निकल जाएंगे। तो ये है वो घाटी पूरी। अभी थोड़ा सा फॉग है, अगर शाम में मैं जब निकला था लास्ट टाइम तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी यहाँ पे, लेकिन बहुत गहरी है, पीछे दूर दूर तक देखने को मिलेगा। और बहुत मस्त लोकेशन लगी ये भी घूमने के हिसाब से, कभी भी आप आ सकते हो अगर मान लिया महाराष्ट्र वगैरह आ रहे हैं या फिर अम्बोली की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे घूम कर जा सकते हो आप। तो बहुत ही मस्त लोकेशन थी अम्बोली के पास में जो थी, और सुबह के टाइम हो रहे हैं 7:45 का टाइम हो गया है, 2 घंटे ऑलमोस्ट चले हुए हुए हैं मुझे अभी लगभग, और गाड़ी चल गई है करीब 100 किलोमीटर के आसपास अभी चला हूँ मैं, 100 से कम ही होगा। बाकी टोटल गाड़ी अभी चली है इस टूर पे 240 किलोमीटर चली थी, जो गोवा के अंदर लोकल में चली है 2-3 दिन के अंदर। बाकी जो चलाई है वो 2040 किलोमीटर आने के किलोमीटर थे, अब जाने के भी कितने होंगे वो एंड में बता दूंगा, ऑलमोस्ट वही पड़ेंगे 2040 या 2050 के आसपास, क्योंकि सेम जगह से ही थोड़ा बहुत नाप के चल रहा हूँ। बाकी क्या माइलेज वगैरह रहेगा वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो के एंड में ब्रीफ कर दूंगा पहुँचने के बाद में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोटो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, जो भी रास्ते में अच्छी लोकेशन आती है उनके, तो इंस्टाग्राम की आईडी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो वहाँ पे, और वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। तो आज मैं रिटर्न जर्नी का पूरा वीडियो बना रहा हूँ और पूरा दिखाऊँगा इसमें कहाँ से क्या दिक्कतें आई, वो भी मैं आपको एंड में ब्रीफ कर दूँगा इस वीडियो के बाद में। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें के सारी एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ बता दूंगा, कितना खर्चा आया, कितना पेट्रोल का, कितना रुकने उकने का। इनकेस आप कभी कोई आना चाहे तो आ सकता है, और पहले से आप बजट बना सकते हो कि हाँ इतना पेट्रोल और इतना टोल टैक्स वगैरह हमारा लग जाएगा। तो अभी पहुँच गए हैं ये हाईवे पर, कर्नाटक टू बेंगलोर टू पुणे हाईवे है, पुणे मुंबई, और यहाँ पर ये करीब पड़ता है यहाँ से गोवा 100 किलोमीटर के आसपास, 150 के आसपास, तो 150 किलोमीटर चले हैं सुबह से, उसमें टाइम लगा है 3.5 घंटे का, क्योंकि रोड सिंगल था और टूटा हुआ था, बीच में कहीं पे टूटा हुआ कहीं पे ठीक था, तो सिंगल रोड पे ये बड़ी दिक्कत रहती है। अभी ये हाईवे बड़ा मस्त है, ऐसा ही हाईवे मिलेगा आखिर तक, थोड़ा सा ट्रैफिक इस पे ज़्यादा मिलता है लेकिन हाईवे मस्त रहेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 हो गए ऑलमोस्ट, तो वही 3.5 घंटे 4.25 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच गए,
तो अभी पहुंच चुके हैं, सतारा पार कर लिया है और यहाँ से 100 किलोमीटर अभी बचा है पुणे। अभी जो रोड बिल्कुल एकदम मस्त है, लेकिन अब कहीं कहीं टूटा हुआ मिलेगा रोड। ये सतारा से पुणे के बीच में फ्लाईओवर पे काम चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा टूटा हुआ मिलेगा। तो अभी लंच हुआ है और टाइम हो रहा है 1:23। तो यहाँ से लगभग 70 के आसपास है अभी पुणे, और ये अब टनल देखो, वाओ क्या मस्त है। इसका नाम है खंबाट की बोगट। बोगट मतलब टनल। तो जब हम उधर से आते हैं, मुंबई की तरफ से, पुणे की तरफ से इधर आते हैं, तो हमें पहाड़ियाँ पार करनी होती हैं, लेकिन जब इधर से हम जाते हैं तो हमें कुछ बस ये टनल क्रॉस करना होता है और हम दूसरी साइड निकल जाते हैं पहाड़ी के। काफी लंबा है, मुझे लगता है 1 या 2 किलोमीटर का तो होगा। और जो लंच हुआ है, आरामू करके कोई बड़ा अच्छा रेस्टोर था, आराम करके रेस्टोर था एकदम पीछे, सेल्फ सर्विस और बाकी बड़ा मस्त बना हुआ था, और रेट भी बहुत रीजनेबल थे। 150 रुपीज में अनलिमिटेड कितना ही खाओ। ये हो गया क्रॉस, और अब वो पूरा जितना पहाड़ी उधर से आते हुए पार करनी होती है, चढ़ना होता है ऊपर, वो सारा पीछे रह गया, खत्म हो गया, एकदम दूसरी साइड निकले हम। हेलो फ्रेंड, लगभग 3:15 हो गए हैं, और अभी पुणे से अगला जो टोल पड़ता है हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, वो क्रॉस हो गया है। ये मैंने टैग लगवा रखा है, सब जगह वैलिड है, हर टोल पे इसी टोल कटा है मेरा। केवल एक ये टोल ऐसा है 230 रुपए का, जहाँ पे ये वैलिडी इनवैलिड दिखाता है, मतलब इन्होंने या तो सिस्टम ही नहीं करा है अपना कुछ भी, बस लोगों का पागल बना रहे हैं कि हाँ जी आओ, और वो मशीन उस पर लगाते हैं, वो इनवैलिड दिखा देता है। तो अगर इसकी जगह हम कुछ गलती करते या हम ये ना लगाते, मान लिया अभी ये 15 तक जैसे छूट दे दिए, तो हम पे पेनल्टी पड़ रही है, इन पे क्या पेनल्टी पड़े ये नहीं पता। मगर चलिए कोई नहीं, कैश दे दिया, मुझे देनी थी कैश, देना या फिर वो देना, निकलना तो होता ही है। करियर का एडवर्टाइज देखो कहाँ पे लगा हुआ है, एकदम ऊपर से दिख रहा है दूर से ही। तो अभी मुंबई एंटर कर गए हैं और टाइम हो रहा है 4:40, तो लगभग 2 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए, 2 से कम ही लगे हैं, 2.5 घंटे लगे।
पुणे से यहाँ आने में रास्ता अच्छा था, रोड अच्छा था, तो इसलिए टाइम कम लगा, आराम से 90 की स्पीड चलती रही। और अब देखते हैं यहाँ पे कितना जाम मिलता है, क्योंकि मुंबई में जाम रहता है थोड़ा, और अभी टाइम जाम का हुआ नहीं है। वैसे देखो 5 बजे से पहले ही अगर निकल गया, क्रॉस कर गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी जाम में, तो फिर वही रहेगा, एक घंटा और एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर जाम कहीं मिला तो। चलो मुंबई से निकल के फिर बात करता हूँ। तो फाइनली मुंबई से निकल गए, लगभग 1.5-2 घंटे लगे निकलने में, और अभी सूरत हाईवे पे आ गया हूँ। थोड़ा सा चाय वाय पी के अब फिर से चलना है, और करीब 1.5 बजे तक वडोदरा पहुँच जाऊँगा। वडोदरा एकदम मिडल है, 1000 किलोमीटर पे पड़ता है इधर से भी, और दिल्ली साइड से आओ तब भी, तो वहाँ तक के होपफुली के 20 घंटे लगेंगे, 20 ही फिर आगे को लगने हैं वहाँ से। तो चलिए फिर ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। अब नाइट हो गई तो नाइट में वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, जो भी होगा कल सुबह फिर दिखाऊँगा दोबारा से, जितना भी जहाँ पे भी जो भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो गुड आफ्टरनून, रात बंद करने के बाद मैं सीधा अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और अभी मैं हूँ ब्यावर। ब्यावर से पड़ेगा करीब 430 या 420 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से अभी दिल्ली, और टाइम हो रहा है लगभग 1:40। तो 10 बजे तक लगभग पहुँच जाऊँगा मैं दिल्ली। सुबह से वीडियो कोई नहीं बनाई, क्योंकि गाड़ी में चलाने में ज़्यादा ध्यान था, और सुबह 8:30 बजे मैंने उदयपुर क्रॉस किया था, तो उदयपुर से अभी यहाँ तक तो आ गए हैं, और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है अपनी, बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि थकान हो रही है, इसलिए फ़ोन भी डाउन हो गया था उधर मेरा, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया बीच में कोई भी। चलो अब जहाँ जहाँ टाइम मिलेगा बना दूंगा, अदरवाइज घर जाके पूरा एक बता दूंगा किस टाइम में पहुँचा हूँ। गुड मॉर्निंग, तो रात पहुंच गए थे करीब 10 बजे, और पूरे जितना जाने में टाइम लगा था उतना ही टाइम आने में लगा मुझे, लगभग 20 घंटे पूरे लगे आने में भी। और आते टाइम मैंने ज़्यादा वो वाला रोड दिखाया जहाँ पे क्या मैं जाते टाइम वीडियो नहीं बना पाया था, तो आते हुए मैंने वो दिखाया और जाते हुए बाकी सारा देख ही लिया था, इसलिए वीडियो मैंने इतनी लंबी नहीं की है जितनी जाने वाली थी, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट थे, जो मेन चीज़ें थी वो मैं दिखाता आया, जो जाने के टाइम पे मैं कवर नहीं कर पाया था जो चीज़ें, तो मैंने आते टाइम करी हैं, और थकान अब उतर गई है। एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, जब भी लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं आप, अगर आपको थोड़ी सी भी सुस्ती आ रही है, या फिर मान लिया कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नींद आ रही है, तो यूजुअली वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मान लिया कोई भी आपको होटल दिख रहा है या कोई रेस्टोर ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, गाड़ी पार्क करो और 10 या 15 मिनट आराम से सो जाओ, चाहे सीट पे ही सो जाओ। ये मैं यही करता हूँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी लॉन्ग ड्राइव कैसे कर लेते हो, तो मैं यही करता हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है ना 1% भी कि हाँ मुझे अब नींद आ रही है या सुस्ती आ रही है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ वहाँ पर, मैं आराम से गाड़ी लगाता हूँ और 15 मिनट सोता हूँ बिल्कुल आराम से। उस सोना इन द सेंस के आँखें बंद करके लेट जाता हूँ, सीट अपनी पीछे करके, और उसके बाद में मैं फिर रिफ्रेश हो जाता हूँ, और 4 घंटे मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती गाड़ी चलाने में, 3 से 4 घंटे बड़े आराम से मैं गाड़ी चलाता हूँ उसके बाद में। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जबरदस्ती नींद के साथ नहीं करनी कभी भी किसी को। और बाकी जितनी पुरानी वीडियो वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आइकन में भी आप चेक कर सकते हो, तो वो गोवा टूर की सारी वीडियो हो जाएंगी। और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। प्लस इस बार खर्चा थोड़ा ज़्यादा हुआ है क्योंकि जब मैं नैनो लेके गया, नैनो से ज़्यादा पेट्रोल खर्च हुआ इस बार, तो वो चीज़ थोड़ी सी लगी। अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर सारा एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, कितने क्या क्या खर्चे हुए और कितना टोटल टूर का कितना खर्चा आया, वो सारा उस वीडियो में डालूंगा। सेपरेट एक पूरी वीडियो बना दूंगा उसके लिए, तो उस वीडियो को देख लेना जिनको भी खर्चा देखना है, या फिर क्या पेट्रोल का, टोल का, हर चीज़ का मैं उसमें पूरा ब्रीफ कर दूंगा आपको अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।